हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं पम्पकिन कद्दू की सब्जी। ये देखिए पम्पकिन को मैं काट के धो के साफ करके रख लिया है। उसके लिए क्या क्या चाहिए वो देख लेते हैं। यहाँ मैंने प्याज काट के रखा है, धनिया का पत्ता, काजू, राई, 2 सूखी लाल मिर्च, इधर धनिया और जीरा को रखा है, बेसन 2 चम्मच, स्वाद अनुसार नमक, हल्दी और मिर्ची पाउडर। चलिए यही सबको लेके हम बनाने वाले हैं आज झटपट कद्दू की सब्जी। चलिए बनाते हैं। कढ़ाई गरम के लिए रख दिए हैं। उसमें धनिया और जीरा को डाल के थोड़ा सा गरम कर लेते हैं, क्योंकि हम उसको दरदरा पीसने वाले हैं या दरदरा कूटने वाले हैं। मैं तो उसको कूट के लिया है, आप पीस के भी ले सकते हैं, मगर पूरा पाउडर फॉर्म में नहीं बनाने का, दरदरा रखने का, जिसमें सब्जी में अच्छा टेस्ट आएगा। ये देखिए मैं इसको दरदरा कूट के तैयार कर ली है। अब उसी कढ़ाई में हम बेसन को भून लेते हैं। दो बड़े चम्मच के बेसन रखे थे, हम उसको भून लेते हैं धीमी आंच पर। बेसन हमारा भून चुका है, उसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब कढ़ाई को साफ करके उसमें 1.5 चम्मच घी डाल देते हैं। हम ये सब्जी को घी में बनाने वाले हैं, अगर आप चाहे तो उसको तेल में भी बना सकते हैं। जब घी गर्म हो जाता है तब हम उसमें रखे थे जो काजू, उसको हम भून के निकाल लेते हैं। काजू हमारा फ्राई हो चुका है, हम उसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। बचा हुआ घी में हम राई और सूखी लाल मिर्च डाल देते हैं और उसको थोड़ा सा चला लेते हैं। जब वो चटक जाएगा हम उसमें काट के रखे थे छोटे छोटे जो प्याज, उसको डाल देंगे। प्याज को डाल के हम अच्छी तरह उसको चला लेते हैं जब तक प्याज हमारा भुन ना जाए। प्याज हमारा भुन चुका है, अब हम उसमें पम्पकिन मिला लेते हैं, जो कद्दू हम उसको मिला लेते हैं अच्छी तरह। मसाला, पम्पकिन, अब हम उसमें स्वाद अनुसार नमक, हल्दी और थोड़ा सा मिर्ची पाउडर मिला लेंगे। ये देखिए सारे मसाला के साथ कद्दू को हम अच्छी तरह मिला लेते हैं। अभी हम उसमें 2 चम्मच पानी मिलाएंगे, जो मसाला हमारा जल ना जाए, अच्छी तरह पम्पकिन में अच्छी तरह मिक्स हो जाए। सिर्फ 2 चम्मच पानी, फिर उसको ढक के पकने के लिए हम उसको छोड़ देते हैं। दो 3 मिनट हो गया है, ढक्कन खोल के देख लेते हैं, हमारा कद्दू पक गया है। ये देखिए हमारा कद्दू पक चुका है। अब हम उसमें मिला लेते हैं
फ्राई करके रखे हुए थे जो काजू। भून के रखे हुए थे दरदरा पीस के जीरा और धनिया का पाउडर, और भून के रखे हुए थे बेसन, वो सबको अपने उसमें डाल के मिला लेते हैं। उसमें हमने 2 चम्मच बेसन डाले, 1.5 चम्मच धनिया और जीरे के पाउडर डाले और सबको अच्छी तरह हम मिला लेते हैं। आंच को हम स्टेज पर बहुत धीमी करके रखे हैं क्योंकि हमारा ड्राई सब्जी है। अच्छी तरह सारे चीज़ हम मिला लिए हैं। अब हम जो काट के रखे धनिया का पत्ता, उसको हम उसको मिला लेते हैं। और उसको भी 1-2 बार चला लेते हैं। हमारा कद्दू की सब्जी बनके रेडी हो गई है। अब हम उसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं।